मिश्रा स्वागत है आपका हमारे चैनल में उत्तर प्रदेश में आज पांचवे चरण का मतदान हो रहा है और ऐसे में लगातार जो है बयानबाजी दोनों पार्टियों की तरफ से देखने के लिए मिल रही है चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो ऐसे में आपको बता दें कि पांचवे चरण जो है आज पांचवे चरण का मतदान है और इसके बाद महज दो चरण के मतदान बाकी रह जाएंगे सात चरणों में मतदान उत्तर प्रदेश में संपन्न होगा और दस मार्च को इसका रिजल्ट आने वाला है लेकिन इससे पहले हर चरण से जो मतदान होने वाले रहते हैं उससे पहले अपनी तरफ से पूरी तरीके से जो है ताकत झोंकी जाती है ताकि वो को लुभाया जा सके और इस दौरान ही एक जनसभा को संबोधित करते हुए जो जया बच्चन है समाजवादी पार्टी की सांसद और साथ ही पूर्व सांसद डिम्पल यादव ने योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा था और योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी भगवा पे उन्होंने टिप्पणी की थी कपड़े पर टिप्पणी की थी योगी आदित्यनाथ के परिवार पर टिप्पणी की थी अब उसी सभी की गई टिप्पणियों पर योगी आदित्यनाथ ने अपने एक, एक इंटरव्यू में सभी के जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने योगी आदित्यनाथ ने हर दिए गए बयान पर जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने जया बच्चन द्वारा दिए की गई टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है साथ ही उन्होंने डिम्पल यादव द्वारा भगवा का अपमान किए जाने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है क्या कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ को हम आपको जरा विस्तार से बता देते हैं साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि जया बच्चन ने क्या टिप्पणी की थी और डिम्पल यादव का जो टिप्पणी था वो क्या था बता दें कि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद डिम्पल यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा था कि लोहे में जब जंग लग जाता है ये डबल इंजन की जो सरकार है तो ये से जंग का जो कलर होता है जो रंग होता है उस इंजन का लोहा का होता है लेकिन लोहे पर जो रंग लगता है उस रंग का कपड़ा हमारे मुख्यमंत्री पहनते हैं और ये बात सभी को पता है की योगी आदित्यनाथ भगवा जो है धारण करते हैं और ऐसे में उन्होंने भगवा को लेकर जो है उसे आयरन के रस्ट से यानी जो जो आयरन पर जो जंग लगा रहता है उससे उन्होंने उस बीजेपी के नेता उस पर भड़के हुए थे तो बयान नहीं था और ऐसे, ऐसे टिप्पणी पर उन्होंने जवाब दिया है योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया कि डिम्पल यादव ने इस तरीके से भगवे रंग को भगवे रंग का कपड़ा जो आप धारण करते हैं उसे आयरन का जंग बताया है है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने जवाब देते हुए कहा कि भगवा भारत की सनातन धर्म की परंपरा और ऊर्जा का प्रतीक है भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है भगवा और अगर उन्हें इसके बारे में जानकारी होती तो ये बात थी कि वो भारत के जो सनातन धर्म है जो संत परंपरा है उसके प्रति सम्मान का भाव रखते लेकिन इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं जानकारी है योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि मौलवियों के दरबार में ना रगड़ने वाले लोगों को इसकी कीमत नहीं पता है इस पर संस्कार और संगत का असर काफी ज्यादा पड़ता है जया बच्चन पर भी हमला बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने उनके दी गई बयानबाजी पर जो है उनकी की गई टिप्पणी पर जवाब देते हुए कहा कि उनके लिए अपना एक ही परिवार है और इसीलिए आज वो फेल हो गए हैं। मेरे लिए मेरा परिवार 25 करोड़ की आबादी है इसीलिए परिवारवादी और वंशवादी लोगों से किसी भी तरीके की कोई भी आशा लगाना किसी भी तरीके की कोई उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए और ये बात प्रदेश के लोग भी साफ तौर पर समझ चुके हैं और इसीलिए है लोग तो है आदित्यनाथ ने जो है इंटरव्यू के दौरान जया बच्चन द्वारा की गई टिप्पणी और डिम्पल यादव द्वारा की गई टिप्पणी पर जो है जमकर हमला बोला तो हमने आपको यह बताया कि डिम्पल यादव द्वारा क्या टिप्पणी की गई थी अब ऐसे में आपको यह भी बता देते हैं कि जया बच्चन ने कौन सी

उम्मीदवार के लिए प्रचार करते नजर आई प्रचार के दौरान ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर जमकर हमला बोला था और उन्होंने कहा कि ये भूल जाते हैं आपके ये जो मुख्यमंत्री है यानी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की बात की है कि उन्होंने की है उन्होंने तो अपना परिवार ही त्याग दिया है परिवार के बारे में वो क्या जानते हैं क्या वो जानते हैं क्या होती है बहू क्या होती है बेटी ये लोग झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलते हैं मुंबई की भाषा में इसे फेकू चंद कहते हैं सिर्फ फेंकते रहते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं साथ ही इस दौरान अजय बच्चन ने ये भी कहा कि मैं पंद्रह साल पार्लियामेंट में रही हूँ और पार्लियामेंट में मैंने देखा है कि भाजपा के जो लोग हैं झूठ के सिवाय कुछ भी नहीं बोलते हैं। जब ये सत्ता में नहीं थे इन्होंने कभी भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक शब्द नहीं कहा और अब ये महिलाओं की सुरक्षा को लेकर टिप्पणी करता नजर आते हैं कि समय बदल रहा है लोगों को देखो उनका उत्साह देखो आप माहौल के बारे में बता पाएंगे महिला सुरक्षा के बारे में बात करने के लिए झूठ के अलावा कुछ नहीं आता है और पिछले पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार के बारे में जानते हैं ये नहीं ये अगर नहीं जानते हैं तो ये कहने की भी जरूरत नहीं है यानी साफ तौर तो पर यहाँ पर जो देखने के लिए मिला वो ये की जया बच्चन योगी आदित्यनाथ और भाजपा पर हमलावार नजर आई थी और अपने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान योगी आदित्यनाथ ने डिम्पल यादव पर भी जो है उनके सवालों का उनकी गया बयान का जवाब दिया जया बच्चन के दिए गए बयान का भी जवाब दिया और यह भी बता दिया कि जो जया बच्चन ये कह रही है कि इनका तो परिवार ही नहीं है दरअसल ये बात सही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ का परिवार पांच लोगों का परिवार नहीं है पच्चीस करोड़ की आबादी जो है योगी आदित्यनाथ का परिवार है और उसी परिवार को सुविधा देने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में जमीन पर जाके काम किया जा रहा है गरीबों को फ्री राशन बांटा जा रहा है क्योंकि अपने लोग जो है जिसे परिवार मानते हैं उसे भूखे पेट सोने नहीं देते हैं और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी जनता को ही अपना परिवार माना है जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरा परिवार पच्चीस करोड़ की आबादी है और उन पच्चीस करोड़ की आबादी के दुख सुख में हर चीज में जो है एक भाग बन के एक उसका एक अहम हिस्सा बनके योगी आदित्यनाथ ने घर घर की जो समस्या है उसे दूर करने की उस दौरान एक भी बयानबाजी नहीं की गई उस दौरान एक भी घर में मदद नहीं पहुंचाई गई उस दौरान अपने उत्तर प्रदेश की जनता को परिवार समझने वाली भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता के दुख सुख में एक भाग बनने वाली भाजपा की सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने घर घर राशन दिया और उसके बाद सिर्फ अपने परिवार का बन पा रहा था दो वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही थी उन सभी परिवार के यहाँ पर जो है फ्री राशन पहुंचाया गया कोरोना के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि गरीब हो या निचले स्तर का व्यक्ति हो हर स्तर का व्यक्ति के पास जो है कोरोना वैक्सीन पहुंचे क्योंकि किसी भी घर में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु ना हो और ऐसे में हर घर बात है और जहां पर जय बच्चन कहती है पार्लियामेंट में रही हूँ सारी चीज तो सिर्फ सवाल एक ही बनता है अगर आप पंद्रह साल से पार्लियामेंट में है पंद्रह साल से आपने सारी चीजें देखी आपने समझा प्रदेश की जनता को आपने आज तक नहीं समझा क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बोलने में नहीं करने में विश्वास रखती है और यही कारण है कि इन पांच चरणों के मतदान में समाजवादी पार्टी के बूथ पर जो पसरा सन्नाटा है वो चीख चीख कर उत्तर प्रदेश की जनता की राय और रुझान बया करते नजर आया तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने भी आखिरकार जो है जया बच्चन और डिम्पल यादव के ऊपर जो अपना बयान है उन्होंने दिया है और ऐसे में आपने ये पूरा मामला भी जाना कि क्या कुछ बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया है और कौन से बयान पर जो उनकी प्रतिक्रिया निकल कर आई है चाहे डिम्पल यादव हो या बच्चन की हो ऐसे में सब पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।